हम प्रधान हो जाएं तैयार आ रहा है बाबा का बुलडोजर, लेगा पूरा हिसाब किताब। करोड़ों का घोटाला हजम करने वाले प्रधानों को लेकर यूपी सरकार का तगड़ा प्लान। भूमाफियाओं की फाइल बंद होगी। अवैध कब्जाधारियों पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। अब की जनता नहीं कब्जाधारी रोएंगे, वोट नहीं देने वाले बाबा के लिए ताली बजाएंगे। पिछले 3 सालों से योगी सरकार बार बार एक प्रयास कर रही है जो अनजान तक पहुंचने वाला है। अगर ये कानून लागू हो गया भूमाफियाओं और अवैध कब्जाधारियों की खैर नहीं होगी। चुनाव के बाद सरकार ने फैसला लिया है कि जनता के नाम पर सरकार से फंड लेने वाले प्रधानों को अब या तो हिसाब देना होगा या फिर बुलडोजर हिसाब खुद ब खुद ले लेगा। जनता दरबार में ज्यादातर शिकायत गाँव से जुड़ी हुई होती है। ग्राम प्रधानों की मनमानी पर सीएम योगी से लगातार शिकायत होती रही है। यूपी में 57,000 गांव हैं, जहां सीएम योगी का सीधा एक्शन होने वाला है। ग्राम प्रधानों की मनमानी से अगर कोई भी योजना जमीन पर नहीं पहुंची, सीएम योगी नाराज हैं कि जनता को सरकार से शिकायत क्यों है। गांव की जमीनों पे ज्यादातर अवैध कब्जा है। कब्जा करने वाले कोई मुख्तार या अतीक जैसे नहीं, बल्कि गाँव के या तो छुटवैया नेता है या फिर गाँव के बाहुबली नेता सफेद कुर्ता पहनकर राजनीति चमकाने वाले है। अब इन्हीं नेताओं और भूमाफियाओं पर बाबा का बुलडोजर चलेगा। तालाब से लेकर के सरकारी जमीन पर घर बनाने वालों के घर भी बुलडोजर चलेगा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीजेपी सरकार सर्वे करवा रही है गांव की हालत क्या है, किस गांव में कितनी जमीनों पर कब्जा है, तालाबों की हालत क्या है, कब्जाधारी कौन है और नाक खाली होने के पीछे की वजह क्या है। योगी सरकार पुलिस की मदद से पहले कब्जा खाली करवाने की बात करेगी। पुलिस की बात नहीं सुनी गई तो राजस्व का मामला बन जाएगा और SDM कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी बात नहीं बनी तो बाबा का बुलडोजर एक्शन लेने को मजबूर होगा। DMSP की जिम्मेदारी होगी कि वो कब्जा की गई जमीन को कैसे भी करके खाली करवाएं। ऐसा होता है तो लाखों लोग जेल भी जा सकते हैं। हर गांव के प्रधान का एक गुट होता है। कब्जाधारी जैसे प्रधान बदलते हैं वैसे ही गुट भी बदल लेते हैं। वो कब्जा की गई जमीन पे पक्का निर्माण कर रहे हैं लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। योगी सरकार अब नगरीय निकायों में सार्वजनिक भूमि, पार्क, तालाब, पोखर समेत किसी भी सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है। सरकार की ओर से सभी नगरीय निकायों को ऐसे अवैध निर्माण और कर्मत चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। नियमानुसार कार्रवाई के साथ इसकी जानकारी एंटी भूमाफिया पोर्टल यानी IGRS पोर्टल पे भी देनी होगी। साल 2017 से योगी सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन ले रही है, लेकिन बड़ी मछलियों के कारण छोटी मछलियों तक जांच और आंच अब तक नहीं पहुंची। यूपी में अब एक्शन तेज होगा। लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोजर चल रहा है। जौनपुर में धनंजय सिंह के करीबी पे बुलडोजर एक्शन जारी है। उधर सहारनपुर में हाजी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। आने वाले वक्त में रामपुर और मुरादाबाद में भी एक्शन का बड़ा प्लान तैयार है। भूमाफियाओं को रोकने के लिए सरकार ने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बना रखी है, जिसकी समीक्षा बैठक भी होती है। उसकी रिपोर्ट में भी हैरान कर देने वाले आंकड़े आ सकते हैं। सरकार अब सख्ती से निपटने की तैयारी में है। किसी भी हाल में सरकारी जमीन खाली करवाना ही सरकार की मंशा है। यानी कुछ भी हो जाए बाबा की तीसरी आंख से कोई बच नहीं पाएगा। वो चाहे बड़े माफिया हो, छोटे माफिया हो या फिर गाँव के भूमाफिया या प्रधान या फिर कोई अन्य कब्जाधारी। ऐसे में क्या आपके गांव में भी भूमाफिया सक्रिय हैं और जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और खबर को शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।